Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So we'll start with the very first chapter of AS Physics. That is your units and measurements. Units and measurement. अच्छा वैसे मैं ये चैप्टर दो अलग अलग करके पढ़ाता होता हूँ. यूनिट्स को मैं अलग पढ़ाता हूँ, मेजरमेंट्स को अलग पढ़ाता हूँ, बट फेयर फॉर नाउ वी कैन जस्ट गो विद दिस. अच्छा गाइस, यूनिट्स में हम सबसे पहली चीज पढ़ते होते हैं, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन हम लोग बेसिकली ये लेते हैं, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड. ओके सर, ए टू की क्लास नहीं थी? नहीं शायद ए टू की क्लास 1 बजे थी. ए टू की क्लास तो खत्म हो गई है, ये तो ए एस की क्लास चल रही है. तो फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड एज एनी मेजरेबल क्वांटिटी. सही है, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इट इज डिस्क्राइब्ड एज एनी मेजरेबल क्वांटिटी. अब मेजरेबल क्वांटिटी से हमारे पास क्या मुराद है? देखिए, हम लोग मास मेजर कर सकते हैं, हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं, ऑल दैट स्टफ. तो फिजिकल क्वांटिटीज होती है. अब हमारे पास 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं. अच्छा, इनको हम 7 बेसिक यूनिट्स भी कहते हैं. सेवन, मैं उसको 7 बेसिक यूनिट्स की हेडिंग दे देता हूँ, 7 बेसिक यूनिट्स. और आप लोग अगले 20 मिनट में चेक कीजिएगा कि आप लोगों को ये टॉपिक कैसे समझ आते हैं, सिर्फ देखिएगा. तो वी आर गोइंग टू स्टडी द 7 बेसिक यूनिट्स. 7 बेसिक यूनिट्स क्या है, कोई बता सकते हैं जल्दी जल्दी से? कभी कभार मुझे खुद भूल जाते हैं. सबसे पहले मैं लूंगा मास, फिर मैं लूंगा लेंथ, फिर मैं लूंगा टाइम, फिर मैं क्या लूंगा, लेंथ हो गया वो 4, मेरे पास टेम्परेचर हो गया 5, मेरे पास करंट हो गया. ये 5 है जो हम लोग यूज करेंगे ना. 2 जो हमारे पास बाकी हैं वो हैं 6 एंड 7. 6 हमारे पास होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड 7 हमारे पास होगा क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. सही है. अब देखिए, हमारे पास मास जो है, मास का ऐसा यूनिट क्या है गाइस, केजी, दैट इज अ किलोग्राम. लेंथ का क्या है, मीटर. टाइम का हमारे पास क्या है, सेकेंड. टेम्परेचर का क्या है, केल्विन, नॉट सेल्सियस, नॉट फारेनहाइट, केल्विन. करंट का क्या है, एम्पेयर. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का याद रखे होता है हमारे पास मोल, बट ये मैंने 2 रेड में क्यों लिखे हैं, दिस इज सी डी विच इज कैंडेला. ओके, अगर किसी ने लिखना है तो लिख लें, सी डी स्टैंड्स फॉर कैंडेला. ये मैंने दोनों रेड भी क्यों लिखे, क्योंकि ये हम लोग अपने पूरे कोर्स में यूज नहीं करते. अदर देन दैट, एक चीज आप लोगों को पता नहीं चाहिए, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है हमारे पास, ये आपके A2 के भी लास्ट चैप्टर में जाके जब आप लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी, उसमें जाके आप कैंडेला पढ़ते. दिस इज अ वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ A2 फिजिक्स. मतलब आप, पहला चैप्टर है और इसके बाद 23 चैप्टर्स बाद आप लोग वो चीज पढ़ते होते हैं. अच्छा, विच इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. These are the 7 basic units that we are going to be using throughout this course. Starting with very first, बड़ी basic basic चीजों से start करते हैं. Area, area का guys formula क्या होता है? Length into length, right? Now length का unit हमारे पास क्या है? मैं आपको सारे के सारे दिखाऊंगा. अच्छा, हम किस तरीके से करेंगे? Length हमारे पास क्या होता है? Meter. So meter into meter, meter square. Okay, first thing first. Volume क्या होता है? मुझे बताएं. अच्छा, ऐसा करते हैं आप लोग चैट में, मैं आपको एवरीवन में कर देता हूँ, एंड यू गाइस कैन टॉक टू ईच अदर, नॉट टॉक टू ईच अदर बट आंसर्स आप लोग एक दूसरे के देख सकेंगे. सो इट्स गोना बी व्हाट, मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर. अब मुझे बताएं, जब हम लोग सेम क्वांटिटीज को जब मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग क्या करते होते हैं, हम लोग इनकी पावर्स को ऐड करते हैं. सो इट्स 1 1 1, सो 1 + 1 + 1 पावर ऐड हो गई तो कितना हो जाएगा, m^3. तो वॉल्यूम याद रखें क्यूब होता है, एरिया हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर होता है. इससे अगला वाला निकालते हैं, क्या निकालेंगे, डेंसिटी निकालते हैं. आ जाएं डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है गाइस, मास ओवर वॉल्यूम. अब मास ओवर वॉल्यूम में मास हम लोग क्या लेंगे बताएं, किलोग्राम, एंड वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, मीटर क्यूब. तो डेंसिटी मेरे पास क्या आ गई, केजी पर मीटर क्यूब. अब ये मैंने ऊपर क्यों लाया, मैंने माइनस क्यों किया, तो इधर मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक इंडिसेस. बेसिक इंडेंसेस हमारे पास क्या कहते हैं गाइस, लेट सपोज आई हैव अ वैल्यू एक्स एंड आई हैव अ वैल्यू वाई. दिस इज नॉट द एक्स दैट यू गाइस आर थिंकिंग, दिस इज द वेरिएबल एक्स. अब इस वाई को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा गाइस, इसकी पावर के साथ इसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है. सो इट्स गोना बी एक्स वाई माइनस वन.
डिपेंडिंग ऑन द पावर, इफ इट्स टू इट्स थ्री और इफ इट्स फोर डजंट रियली मैटर, वो जब भी ऊपर जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, सही है? एंड वो जब नेगेटिव होगा तो हम उसको साथ साथ लिख सकते हैं। याद रखें एएस फिजिक्स में आप कभी भी कोई चीज डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, यू ऑलवेज टेक इन इट टू न्यूमरेटर। एंड इसके अलावा भी मैं आपको बेसिक इंडेसेस पढ़ा देता हूँ, अगर किसी को नहीं आती। लेट सपोज एक्स स्क्वायर है रेस टू द पावर ऑफ टू, इधर बहुत लोग करते होते हैं इसको रेस टू द पावर ऑफ थ्री कर लेते हैं, वो टू स्क्वायर फोर ही हो जाता है। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, कोई बता सकता है? जी एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर ऑफ थ्री, व्हाट डू वी डू? बेसिक इंडेसेस, वी मल्टीप्लाई दीज टू। याद रखें इसको स्क्वायर नहीं करना होता तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू द पावर ऑफ सिक्स। मैंने बता दिया कि मैंने कहा किसी को ना बताओ। लेट सपोज आई हैव अ वैल्यू एक्स रेस टू द पावर ऑफ फाइव डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू द पावर ऑफ थ्री, व्हाट विल आई डू? मैं इस थ्री को ऊपर ले जाऊंगा, आई एम गोना सब्ट्रैक्ट दिस। जैसे इधर वो माइनस वन हो गया था ना, वैसे इधर भी सब्ट्रैक्ट होगा, मेरे पास एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेसिक इंडेसेस हमारे पास होती हैं। ओके इसके अलावा मैं एक और आखिरी चीज करवा देता हूँ जो आप लोगों को समझ आ जाए। लेट सपोज ये वैसे कोर्स में है नहीं, बट अंडर रूट फोर में ले लेता हूँ, सही है? फोर अंडर रूट ले लेता हूँ एंड आई हैव एक्स रेस टू द पावर ऑफ टू। अब क्या करेंगे, याद रखें ये जो इधर होता है फोर हो टू हो वन हो व्हाटसो एवर, आप लोग उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको आप लोग वन बाय टू लिखेंगे, वन बाय फोर लिखेंगे। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास फोर है, इधर थ्री हो तो इधर आप थ्री लिख देंगे, टू हो तो आप टू लिख देंगे एंड सो ऑन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या आता है, या मतलब वन टू तो वन ओवर टू, सही है? तो एक्स रेस टू द पावर ऑफ वन ओवर टू। कभी कभार मैं जरा वो नंबर्स बोलते बोलते जरा और जुबानों में निकल जाता हूँ, बिकॉज़ आई स्पीक पश्तो एज वेल, तो कभी पश्तो आ जाती है कभी फारसी निकल आती है, वन टू छोटे छोटे वैल्यूज पे, सही है? अनइंटेंशनली इंटेंशनली। अच्छा इधर तक क्लियर है सब कुछ गाइस, इज दिस क्लियर? बेसिक स्टाफ, वैसे स्टिल चैट बॉक्स में यस नो जल्दी बोल दें। चैट बॉक्स चैट बॉक्स चैट बॉक्स चैट बॉक्स चैट बॉक्स बजाओ। इसके बाद डेंसिटी के बाद अगला जाते हैं। डेंसिटी किस फॉर्मूला में आता है, किसी फॉर्मूला में नहीं आता, छोड़ दें डेंसिटी को। लेट्स गो विद स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस गाइस, डिस्टेंस इज मीटर, व्हाट इज टाइम सेकेंड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एस माइनस वन। और अब मैं वेलोसिटी लेता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। मुझे बताएं डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, जल्दी से। सेम होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से, वो हमारे पास वेक्टर स्केलर का फर्क है। अच्छा सेम होता है, तो ये भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, एम एस माइनस वन। तो याद रखें स्पीड हो या वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी हो या उसकी स्केलर फॉर्म हो, दोनों का हमारे पास सेम आता है। उसके बाद हमारे पास ये हो गया एक्सेलरेशन। मुझे बताएं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। किसी को ये फॉर्मूलाज नहीं आते तो गो एंड रिवाइज योर ओ लेवल, ऑफ कोर्स, तो बड़ी बेसिक चीजें हैं। अच्छा तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, अब याद रखें एक चीज, मेरे पास इधर वेलोसिटी है, इधर मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई चीज चेंज भी हो रही हो, इट डजंट रियली मैटर। ओके तो हम लोग यूनिट वही यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, एम एस माइनस वन एंड देन ओवर एस। अब मुझे बताएं हम एस के साथ क्या करेंगे, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। अब ये एस ऊपर जाके फिर माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन क्या होता है, जीरो, इज दैट करेक्ट? नो इट इज नॉट, ऑफ कोर्स सबको पता है करेक्ट नहीं होता, सही है? तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम एस माइनस टू। तो दिस इज योर यूनिट फॉर योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस फॉर्मूला में यूज होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए कर लेते हैं, आ जाए एफ इज इक्वल टू एम ए। मैंने फोर्स का यूनिट फाइंड करना है, मास मेरे पास क्या होता है सबको पता है, के जी हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, एम एस माइनस टू। तो देखिए मेरे पास फोर्स का क्या यूनिट बना, के जी एम एस माइनस टू। अब कैन समवन टेल मी कि ये के जी एम एस माइनस टू किस यूनिट की इक्वल है? हम इधर एक और यूनिट भी यूज करते हैं फोर्स के लिए, उस यूनिट को क्या कहते हैं जी, न्यूटन। तो ये याद रखें न्यूटन के भी इक्वल होता है। अब आप लोग जो न्यू न्यू स्टूडेंट्स आए हुए हैं इसमें, वो समझेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, दिस एंड दैट, ये सर को कैसे याद है, हमें याद करने पड़ेंगे। गाइस थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, जेन्युइन फिंगर टिप्स में होंगे। जैसे मेरे फिंगर टिप्स में मुझे एक एक चीज याद होती है, मतलब मैं तो ऑफकोर्स पढ़ाता हूँ, मुझे होनी भी चाहिए, बट लाइक उसके अलावा भी आप एज ए स्टूडेंट लेवल पे भी चीजें बहुत इजिली याद कर सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू एम ए हो गया। एफ किस फॉर्मूला में यूज होता है बताएं, वर्क डन के फॉर्मूला में यूज होता है। तो वर्क डन हमारे पास क्या गाइस क्या होता है, एफ एंड डी। तो
एफ को मैं पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताएं, के जी एम एस माइनस टू एंड देन डिस्टेंस अगेन, सो व्हाट यूनिट विल आई हैव ओवर हियर, आई विल हैव मास, तो के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू। अब मुझे पता है वर्क डन का यूनिट क्या होता है, वर्क डन को हम किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन बताएं, जाउल्स, गुड जॉब गाइस। तो ये हमारे पास जाउल्स के इक्वल होता है, जाउल्स, जूल्स, जाउल्स, जैसे भी आप लोग प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, सो विच इज जे। अब एक चीज याद रखिएगा, अब हमारे पास कोई भी जाउल होगा ना, उसका यूनिट यही होगा, मतलब उसकी जो एस आई बेस यूनिट है इसको हम लोग यूनिट कहते हैं, इसको हम एस आई बेस यूनिट कहते हैं। अच्छा, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इट्स एस आई। तो माशाल्लाह बड़े मेरे पुराने पुराने स्टूडेंट भी इसमें आए हुए, बड़े 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 लोग आए हुए आज क्लास में। सही है, बड़ी हस्ती आई हुई आज क्लास में हमारी, अभी उन्हें ज्वाइन किया है। खैर, बताने का मकसद ये है कि हमारे पास जो जाउल्स है ना गाइस, आप, मैं आपको दो फॉर्मूलाज देता हूँ, आई वॉन्ट यू गाइस टू ट्राई इट आउट योर सेल्फ। आप, आई वॉन्ट यू गाइस टू ट्राई 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू गाइस टू ट्राई, एक सेकंड, कोई कलर मिसमैच हो गया फिर मजा नहीं करता, लेट मी राइट इट येलो। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh। आई वॉन्ट यू गैस टू ट्राई दिस आउट, मतलब इन दोनों को भी ओपन करें, ओपन करें, वर्किंग करें। एक चीज याद रखें, हम लोग जब यूनिट्स फाइंड कर रहे होते हैं हम कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट कर देते, तो उसको निकाल दें। सही है, सही हो गया जी, बताएं, मेरी गुफ्तगू जहन नशीं हो गई है, आप लोगों के जहनों में मेरी बात बैठ गई है। अच्छा, इन दोनों से भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, के जी एंड वी स्क्वायर एम एस माइनस वन, तो स्क्वायर ले ले मेरा, वन बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया, लेट मी के जी इधर मैं माइनस वन कर दूंगा, के जी माइनस वन स्क्वायर, सही है, तो क्या हो जाएगा, के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू। तो देखें के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू क्या हुआ, यही वाला हमारे पास बना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट जाउल है, इसको भी पुट करेंगे वो भी हमारा वही बनेगा। मेरा सांस चढ़ गया, मैं इतना तेज तेज बोल रहा हूँ, अब मैं जरा स्लो स्लो बोलने की कोशिश करूंगा। के जी जी हमारे पास क्या होता है, एम एस माइनस टू एंड देन एच विल बी एम अगेन, तो अगेन मल्टीप्लाई, सो के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू। तो देखें याद रखिएगा, आपके पास हमेशा सेम यूनिट बनेगा, जाउल जब भी आप फाइंड करेंगे किसी भी फॉर्मूला से करेंगे, आपके पास यूनिट सेम आना चाहिए, है और क्या चाहिए। ये किसका वैसे था, टपाल ग्रीन टी, और क्या चाहिए मेरे ख्याल से। खैर, इज दिस क्लियर एवरीवन, समझ आ गई, जहन नशीं हो गई मेरी गुफ्तगू। गुड 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 गाइस, डायरेक्ट मैसेज से आप लोग एवरीवन मैसेज कर दें, अच्छा अपना ये सब देख लिया वो। उसके बाद अगला फॉर्मूला पावर कर दें, पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। अब एनर्जी गाइस हमारे पास क्या होता है, अभी हम लोगों ने फाइंड किया था के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू, एंड फिर टाइम क्या होता है हमारे पास एस, टाइम तो हम लोगों के पास है ही नहीं, आप लोगों को पता है बड़े बिजी लोग हैं आप सब भी, आजकल की जनरेशन के पास टाइम किधर होता है। खैर, बट इधर हमारे पास टाइम है, तो एस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री। अब मुझे बताएं ये SI यूनिट किस यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, किस डिराइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, किस डिराइव यूनिट को, गुड जॉब बदन, विच इज वॉट्स, वॉट, वॉट। मैं बचपन में ना वॉट को वट बोलता था, वट, वट आर यू डूइंग, वट वट, तो मेरी एक दोस्त थी वो मुझे बार बार मेरा मजाक उड़ाती थी, फिर मैंने अपने वट को वॉट मैं एक्सेंट के साथ बोलना स्टार्ट किया। खैर, बताने का मकसद ये है, बस इसको बताने का कोई मकसद नहीं था, बट दिस रिप्रेजेंट्स, ये जो के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री है ये वॉट के इक्वल होता है एंड विच इज डब्ल्यू। ओके, हो गया। पावर किस फॉर्मूला में यूज होता है, चले अगला एक फॉर्मूला निकालते हैं, पी इज इक्वल टू वी आई। देखिए याद रखें, आई हमारे पास क्या होती है, ए होता है, आई वॉन्ट यू गैस टू फाइंड वी, वी को फाइंड करने के लिए वी को सब्जेक्ट बनाए, पावर ओवर करंट, चले बताएं क्या बनता है, जल्दी जल्दी जल्दी।
गुड जॉब अदन। अदन सारे आंसर आप ही बता रही हैं, इसके बाद आपने आंसर नहीं बताना। अच्छा, आई वांट अदर्स टू आल्सो, या आप उन्हें डायरेक्ट में कर दें, फिर बच्चे कॉपी कर लेते हैं। ऐसे हैं कुछ बच्चे जिनको मैं जानता भी हूँ, उनकी मैं तारीफ कर रहा था, कॉपी करके फिर लिख देता हूँ, तो क्या किया जाए। आप में से इस्लामाबाद में से कौन है, कौन मतलब इस्लामाबाद में से, नहीं सॉरी, कौन इस्लामाबाद से है। इधर तो रास्ते शास्ते खुले हैं या नहीं, तो अभी भी बंद ही है सब कुछ। खुलने लगे हैं, चलो सही है। अच्छा क्या आंसर होगा गाइस, वी के जल्दी बताएं। व्हाट इज द आंसर फॉर वी, वी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज। अच्छा करेक्ट, तो वी के हमारे पास देखें पावर की हम वैल्यू पुट करेंगे के जी एम स्क्वायर S-3। करंट हमारे पास क्या है, ए, तो ये ए ऊपर जाके हो जाएगा नेगेटिव ए एम स्क्वायर S-3 A-1। ओके हो गया, तो ये हमारे पास किस चीज का आंसर है, ये हमारे पास वी का आंसर है। इधर तक क्लियर है एवरीवन, आई नीड यस फ्रॉम एवरीवन, देयर 10 स्टूडेंट्स सो आई नीड 10 यसेस। गाइज डायरेक्ट मैसेज में यस ना करें, ना एवरीवन में करें, कि वो सब देख लिया करें, फिर वो भी मोटिवेट होते हैं जवाब देने में। नहरी आपने ग्रुप में मैसेज क्यों शेयर किया, वैसे उधर आप हंस भी रहे हैं आगे, क्या हुआ। अच्छा गुड जॉब हो गया, अब आखिरी फाइंड करते हैं जो सबसे लंबा हमारे कोर्स का होता है, वो हमारे पास है वी इज इक्वल टू आई आर, और इससे गाइज आप लोग आर ढूंढें, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। हम जल्दी से मुझे आखिरी वाला बता दें कि हम लोग इसको फिर इधर ही दफन कर दें, अख्तितम पजीर कर दें। इसका हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, वी हमारे पास हो जाएगा के जी एम स्क्वायर S-3 A-1 एंड डिवाइडेड बाय ए फिर से, तो के जी एम स्क्वायर S-3 A-2। और कोई मुझे फॉर्मूला बताएं जो हमने ओ लेवल में पढ़ा हो, जिसका हमने ना निकाला हो, कोई भी फॉर्मूला जो हमने अभी तक ना किया, वैसे हमने काफी कर लिए हैं मेरे ख्याल से। हाँ एक रह गया ना, देखें क्यूटी वाला फॉर्मूला मेरा बहुत फेवरेट है, Q इज इक्वल टू आई टी, इसको मैं क्यू टी वाला फॉर्मूला कहता होता हूँ। तो द यूनिट फॉर चार्ज, चार्ज का क्या यूनिट होगा, आई इज इक्वल टू ए एंड टी इज इक्वल टू एस, सो ए एस। देखिए आप लोग किस क्लास में, ए एस, तो फॉर्मूला का नाम क्यू टी, क्यू टी का आंसर ए एस है ना, आप लोग भी ए एस में, सो आप लोग क्या है इनडायरेक्टली क्यू टी। तो गाइस मुझे तो कॉल आ रही है, पर देखें। हाँ अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, तू सुना।
ठीक है जैसे बता दिया करें, वो मेरा माइक ओपन था, मैंने गुफ्तगू कर लेता, आप लोग सुन लेते, फिर क्या सोचते। सही है अच्छा, और कोई फॉर्मूला रह गया हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? E इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। चलें फाइंड करें, मुझे सी फाइंड करके दें, सी के यूनिट जिसने दिया उसको मेरी तरफ से 1 स्टार। स्टार ही नहीं, अदन आप वो बीएमआई वाली है ना राइट? बाकी आप लोग गाइस किधर से? वानिया, रिफत, रमशा, मोहम्मद उस्मान, फिरोज, नहर, अरे अदन आप एएस में या ए2 में? नहीं नाहर, मैंने आपसे नहीं पूछा। अच्छा तो सी क्या आता है गाइस हमारे पास? सिंपली ई में वैल्यू पुट करें तो सी इज इक्वल टू ई ओवर एम डेल्टा टी। ई क्या है मेरे पास? के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू। एम मेरे पास क्या है? के जी। डेल्टा टी क्या है मेरे पास? के। तो के जी माइनस हो जाएगा तो मेरे पास आंसर आएगा एम स्क्वायर एस माइनस टू के माइनस वन। सही हो गया जी, सही हो गया जी, फरमाए जी। मुझे क्लियर है, मुझे यस यस कर दें आप लोग जरा, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद जरा हम लोग पावर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, वो जरूरी है। एक रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ मैं, तो सीधे स्टार्ट कर लेता हूँ।